एवरीवन आज मैं एक इवनिंग का स्नैक्स रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बच्चे लोग भी बहुत चाव से खाता है। आजकल तो बच्चे लोग सभी क्वारंटाइन की वजह से घर पे रह रहे हैं, तो पिज्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा है। तो बच्चे लोग भी खाते हैं, बड़े लोग भी बहुत चाव से खाते हैं। तो ये हम हेल्दी वर्जन ऑफ पिज्ज़ा बनाएंगे। ये है मिनी उत्तपम पिज्ज़ा। तो मिनी उत्तपम पिज्ज़ा के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, एक बार इंग्रेडिएंट्स चीज़ चाहिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मिनी उत्तपम के लिए मैंने थोड़ा सा राइस, इडली राइस और यहाँ पे उड़द दाल भिगो के रखा था, फिर इसमें पीस लिया। अब अभी नमक डाल के थोड़ा पानी डाल के ऐसा कंसिस्टेंसी बना, ज्यादा घना भी नहीं है और ज्यादा पतला भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉर्न लिया, ऑनियंस, कैप्सिकम, अगर आप यहाँ पे और भी सब्जी डाल सकते हैं तो डाल सकते हैं, यहाँ पे जुकीनी डाल सकते हैं, यहाँ पे मशरूम डाल सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। मेरे पास ये सब्जी था तो मैंने ये सब्जी लिया। कॉर्न लिया, पिज्जा सॉस लिया, मोज़रेला चीज लिया, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स और ओरेगानो लिया। और मैं उसके लिए बनाऊंगी फ्रेश फिगारो ऑयल से मैं ये उत्तपम बनाऊंगी। सब कुछ हेल्दी, ठीक है। अब उत्तपम बनाने के लिए शुरू की जाए। चलिए चलिए हम उत्तपम बनाते हैं। पहले गैस को ऑन कर लेते हैं। गैस को ऑन करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा, हम जो उत्तपम बनाएंगे ना उसको हम 50% पकाएंगे और 50% के बाद हम प्लेट पे ले लेंगे। उसके बाद हम उसके सॉस लगाएंगे, सब्जी डालेंगे, चीज डालेंगे, फिर हम तवा पे रख के उसको ढक के पकाएंगे, ठीक है। हम थोड़ा ऑलिव ऑयल यहाँ पे छिड़क देते हैं, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ठीक है सर, ठीक है। इसका थोड़ा ब्रश कर लेते हैं, अच्छे से ब्रश कर लेते हैं। एक टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया मैंने। आजकल घर पे बैठ के स्नैक्स के लिए बच्चे लोग परेशान करके रखते हैं। ये रेसिपी में आप बच्चे लोग का भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये रेसिपी के लिए आप बच्चे का भी हेल्प ले सकते हैं। पिज्जा दे देंगे, गैस का फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देते हैं। सुंदर लग रहा है ना। तो जब तक हमारा ये पक जाता है फिर हम लौट के आते हैं, ठीक है। तब तक हम ऐसे रेडी हो गया है, ऐसे हल्का हल्का फ्राई करेंगे, अच्छा लग रहा है। तो जब तक हम पिज्जा के ऐसे टॉपिंग देते हैं, हम और भी उत्तपम फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसको हम थोड़ा सा ब्रश कर। अगर आपको लगता है कि आपका फ्राइंग पैन ज्यादा गर्म हो गया तो आपको आंच बंद कर सकते हैं। ज्यादा गर्म होने से अगर लगता है तो अगर आप आंच बंद कर सकते हैं।
टॉपिंग्स कर लेते हैं जब तक ये फ्राई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा पिज्जा सॉस लगाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। ओ सुंदर लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही सुंदर होगा। यही तो टाइम है बच्चों को सारे वेजिटेबल्स छुपा छुपा के, पिज्जा के मौका है छुपा छुपा के खिलाने। अगर आपको ज्यादा बच्चे लोग तीखा नहीं खा सकते तो कम कम सॉस डाल। पिज्जा तो इतना सॉस तो बनता ही है। अच्छे से सॉस डाल के थोड़ा गैस को जला देते हैं। मैं गैस में ज्यादा खोलूंगा था तो गैस को जला देते हैं। इसमें हम थोड़ा 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 करके ऑनियन डालेंगे। अब थोड़ा कॉर्न्स भी डालेंगे हम थोड़ा। कैप्सिकम भी डालेंगे। अच्छा लग रहा है ना। हाँ, अब इसके ऊपर हम थोड़ा ओरेगानो छिड़क देंगे। चिली फ्लेक्स देंगे। मेन इंग्रेडिएंट मोज़रेला चीज पेश करते हैं मिनी उत्तपम पिज्जा। ज्यादा ज्यादा टेस्ट डालिए, एकदम भर भर के होना चाहिए है ना। बच्चे लोगों को ऐसे छुपा छुपा के खिलाने का ही मजा है। हो गया।
हमने मेरा सारा उत्तपम यहाँ तैयार हो गया, उसको थोड़ा उल्टा लेंगे और पलटा देंगे। सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड होने बच्चे लोगों को अगर चिबाने में कोई तकलीफ ना हो। इसी फ्राइंग पैन में मैं इसके बाद एक अब इसको हम लोग मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि जब तक ये मेल्ट होता है मैं फिर वापस लौट के आती हूँ। तब हम तैयार हो गए, ये चीज भी मेल्ट हो गया है, तो यम्मी लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है ना, यम्मी यम्मी। जाइए खाइए मिनी उत्तपम पिज्जा, कैसा लगा बोलिएगा। मेरा धर सरप रहा। अगर मेरा चैनल को अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मुग्धास होम। थैंक यू।